सुप्रभातम छात्रों, आज हम आपको BTC के अंतर्गत आपको हिंदी कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। आज हम आपको पत्र के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेटर। पत्र जो होता है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम अपने जो दूर के नातेदार है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, इनके हाल चाल जानने के लिए, उनकी भावनाओं को जानने के लिए हम पत्रों का माध्यम लेते हैं। पहले मान चलिए पत्र एक क्या है, पत्र एक दूत है। और दूत काम क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आज संचार का साधन है, इसके पहले जब मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, क्या तो लोग अपनी भावनाओं का आपस में आदान प्रदान नहीं करते थे, तब भी करते थे किसके माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। उसमें एक इंटरेस्टिंग भी होता था, पत्र लोग आता ठीक, मतलब कोई भी चीज़ जब समय लेता है तो उसमें इंटरेस्ट होता है। पत्र लिखते, फिर पत्र जाता, एक हफ्ता जाने लगता, फिर एक हफ्ते जाने लगता, 15 दिन में आसपास। तो पत्र होता क्या था, एक दूत का काम करता था, वो हमारी भावनाओं को आपके पास, आपके भावनाओं को हमारे पास पहुंचाता था ठीक। और जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन का कोई भी, आज भी है, आज संचार का माध्यम है, फिर भी हम पत्रों का सहारा लेते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें पत्र की आवश्यकता होती है। जैसे यदि आप छोटे कक्षाओं में थे, शुरू से बात करें, आप छोटे कक्षाओं में थे तब अगर आपको छुट्टी लेना हो अवकाश के लिए, तब भी पत्र लिखना पड़ता। आप बड़े कक्षा होंगे, आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को सुनाने जा रहे हैं, तब भी आप क्या करते हैं, एक पत्र लिखते, पत्र का सहारा लेता है। आपको कोई शिकायत करना है, किसी कहते लिखित शिकायत करना है, तब भी आपको पत्रों की सहारा लेते हैं। यानी कहीं न कहीं पत्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज के समय में पत्र लिखने की एक शैली होनी चाहिए, सब चीज़ में एक क्रमबद्धता होती है, उसी प्रकार पत्र लिखने में भी क्रमबद्ध होना चाहिए, कौन कहाँ क्या कैसे होने चाहिए ठीक। तो पत्र कई प्रकार, जैसे घरेलू पत्र में क्या हुआ, माता पिता को पत्र, भाई को पत्र, बहन को पत्र, पारिवारिक में आप, ये पारिवारिक हुआ, आप मान लीजिए औद्योगिक है या व्यावसायिक है, आपको कोई चीज़ मंगाना हुआ, किसी के कोई ऑर्डर देना हुआ, तो उसे क्या है, व्यावसायिक पत्र है। और अब पत्र के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो पत्र की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, नियम होने चाहिए। पत्र, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, पत्र उस विषय के अनुसार होना चाहिए। यानी आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। पहला नंबर क्या है, पत्र विषय के अनुसार होना चाहिए ठीक। पत्र, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं तो वही होता है, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, पत्र विषय के अनुसार होना चाहिए। यानी जो आप पत्र लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं, पत्र विषय के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ हम डालते हैं पत्रों के लेखन, पत्र के लेखन कैसे करते हैं। तो पहला ये है, पत्र विषय के अनुसार होना चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं, जो पत्र आया है, पत्र लिखते समय या पत्र का उत्तर देते समय जो पत्र है आपके सामने, क्यों सामने होना चाहिए, क्योंकि जब पत्र सामने रहेगा तो आप उसी के, पत्र में क्या पूछा गया उसी का आपको आंसर देना है। तो दूसरी टॉपिक होनी चाहिए, पत्र का उत्तर देते समय
पत्र का उत्तर देते समय पत्र आपके सामने होना चाहिए, पत्र आपके सामने होना चाहिए। ठीक, यानी जिस पत्र का आप जवाब लिख रहे हैं उस पत्र को आपके सामने होना चाहिए। तीसरी बात है चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या में पत्र नहीं लिखना चाहिए, में पत्र नहीं लिखना चाहिए। तीसरी बात, यानी जब आपके अंतर्गत चिंता हो, क्रोध हो, भय हो, इसमें पत्र लिखने नहीं चाहिए। चौथी बात, पत्र लिखते समय शिष्टाचार का अवश्य पालन होना चाहिए, यानी पत्र लेखन समय संबंध और शिष्टाचार का पूरा पालन चाहिए। किसका पालन चाहिए? संबंध एवं शिष्टाचार पालन होना चाहिए। ठीक, जब आप पत्र लिख रहे हैं आप किसके संबंध लिख रहे हैं उसके संबंध में शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये पत्र लिखते समय ये सब सावधानी बरतनी चाहिए। अब एक बार फिर से देख लीजिए पत्र लेखन के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र आप जो हम जब पत्र लिख रहे हैं, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वो पत्र विषय के अनुसार होना चाहिए। पत्र का उत्तर देते समय पत्र आपके सामने होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चिंता, क्रोध, भय और ईर्ष्या में पत्र कभी भी नहीं लिखना चाहिए। चौथा, संबंध एवं शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। पांचवा, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है देखिए पत्र लेखन के महत्व। पत्र लेखन क्या क्या महत्व है? एक अंग्रेज विद्वान थे, अंग्रेज लेखक हैं जेम्स हार्डल, जेम्स हार्डल ने क्या कहा है? जेम्स हार्डल ने कहा है कि जिस प्रकार कुंजिया मंजूसाओं के अंतराल को खोल देती है उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार कुंजिया मंजूसा, देखिए जिस प्रकार कुंजिया किसको अंतराल को, मंजूसा मतलब संदूक, जिस प्रकार कुंजिया मंजूसा के अंतराल को कम कर देती है उसी प्रकार पत्र क्या करते हैं, हमारे सगे संबंधियों या हम पत्र द्वारा दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। पत्र द्वारा किसके दूरस्थ,
व्यक्तियों से आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। आत्मीय संबंध पत्र के द्वारा क्या होता है, आत्मा से संबंध होता है। तो पहले भी था कि जिस जिस माध्यम से या जिसको जिसको लोग ज़्यादा पत्र लिखते थे उससे आत्मीय संबंध बनाता। क्यों आत्मीय संबंध बनाता है? क्योंकि व्यक्ति उसको भावनाओं को जानता, उसको भावनाओं को जानता है, उसके भावनाओं को कद्र करता, उसके भावनाओं को कद्र करता है, तब जाकर आत्मीय संबंध बना रहता है। आज संचार का माध्यम है तो सबसे ज़्यादा आत्मीय संबंध किसके, जिससे आप हर समय फ़ोन में लगे रहते हैं, जिससे आप हर समय फ़ोन से बात करते रहते हैं, उससे आत्मीय संबंध बना रहता है। और जिससे नहीं करते उससे आत्मीय संबंध क्या, उसी प्रकार पत्र लेखन का भी था। तो जेम्स हार्डल ने कहा कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषा को अंतराल को कम कर देती हैं, उसी प्रकार पत्र भी दूरस्थ व्यक्तियों को आत्मीय संबंध बनाए रखता है। ये किसकी परिभाषा था, जेम्स हार्डल की, बहुत अच्छी उनका। वैसे तो हमारे पास वैज्ञानिक उपकरणों की कमी नहीं है, टेलीफोन द्वारा दूरस्थ व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हैं, फिर भी पत्र द्वारा हम अपने विचारों को विस्तार से प्रकट करते हैं। तार द्वारा समाचार भेजते समय अंत में यही लिखते हैं, पत्र पढ़ें। पहले तार था, जब आदमी को ज़्यादा, इन्होंने कहा ना कि यद्यपि आज टेलीविज़न का ज़माना है, टेलीफोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, फिर भी आज पत्र का महत्व है। इन सब बीचों के बीच में भी इतने सारे माली, इनमें भी कंपटीशन है, इन कंपटीशन में आज भी पत्र के महत्व है। तो ये था आपके पत्र का महत्व। पहले जैसे लोग जल्दी भेजते थे, तार भेजती थी, तो तार तेज, जैसे आज हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं, भैया स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, तो समय था फास्ट करने के लिए आपको तार करना पड़ता था। तो अंतर में लिखा जाता था कि पत्र पढ़ें, ठीक। तो ये था, अब हम चलते हैं पत्रों के भेद। अब महत्व के बाद भेद, पत्र को भी कई भेद होते हैं, कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, ठीक, कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। अब कौन कौन से पत्र, पत्रों के भेद, अब कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं। सबसे पहला है पारिवारिक पत्र, कौन है, पारिवारिक। कुल मिलाकर पत्रों के 6 प्रकार होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6, कौन कौन से। पहला पारिवारिक पत्र, दूसरा सामाजिक पत्र, पहला था आपका पारिवारिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा व्यावसायिक, व्यावसायिक पत्र, चौथा संपादन पत्र, क्या था, संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम पत्र, पांचवा आवेदन पत्र, पांचवा एक अंतिम पत्र है जिसे सरकारी कार्यालय पत्र कहते हैं, यही होते हैं।
ठीक। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन? पारिवारिक पत्र, सामाजिक, व्यवसायिक, संपादकीय, आवेदन पत्र और सरकारी पत्र। तो याद कर लीजिए पत्र कितने प्रकार के हैं। तो पत्र 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, संपादिक, आवेदन पत्र और सरकारी कार्यालय पत्र। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं कि पारिवारिक पत्र वास्तव में होता क्या है। तो पारिवारिक से ही स्पष्ट होता है, पारिवारिक मतलब परिवार के एक सदस्य जब दूसरे सदस्य को पत्र लिखता है तो वही पारिवारिक पत्र कहलाता है। जैसे जब छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिखे, पुत्र पिता को पत्र लिखे, पिता पुत्र को पत्र लिखे, तो क्या है? वह पारिवारिक पत्र है। ऐसे पत्रों में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, आत्मीयता के भाव लक्षित होते हैं। प्रत्येक पत्र चाहे वह किसी प्रकार का ही क्यों न हो, एक निश्चित रूपरेखा के अनुसार ही लिखना चाहिए। पारिवारिक पत्र का रूपरेखा इस प्रकार है। पारिवारिक पत्र का रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? रूपरेखा, ठीक। सबसे पहले प्रेषक का पता होना चाहिए। प्रेषक का पता, उसके बाद दिनांक होना चाहिए। पारिवारिक पत्र की बात हो रही है, प्रेषक का पता, दिनांक, ठीक। तो प्रेषक का पता मतलब इसे आप पढ़ रहे हैं, रसार बरौत प्रयागराज। दिनांक मान लीजिए आज पढ़ रहे हैं 4/9/2020। प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, मान लीजिए पिता पुत्र को पिता पुत्र को पत्र लिख रहा तब क्या कहेंगे? प्रिय पुत्र। संबोधन, संबोधन की बात क्या होता है? अभिवादन। अभिवादन के बाद क्लेवर, संबोधन बाद अभिवादन, अभिवादन बाद क्लेवर। क्लेवर में आपके उद्देश्य क्या है, किस लिए आप लिखे? अभिवादन में क्या कहेगा? प्रसन्न रहो प्रिय पुत्र, प्रसन्न रहो। अब क्लेवर में वही रहेगा जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए आपको बेटी से पैसे की आवश्यकता है, कितने? 1,000 रुपये की या 5,000। तो क्लेवर में क्या लिखेंगे? मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। स्वनिर्देश, स्वनिर्देश में क्या होगा? तुरंत तार से भेज दो। पहले जो पैसे वगैरह आते थे जल्दी भेजने के लिए क्या करने? तार करने पड़ते थे। तो स्वनिर्देश में यही कहेंगे कि तुरंत तार से भेज दो। स्वनिर्देश में तुरंत तार से भेज दो। ये क्या था? स्वनिर्देश था। देख लीजिए स्क्रीन पर, हस्ताक्षर तुम्हारा शुभाकांक्षी, अपना नाम, पिता अपना नाम लिखेंगे। तो ये था
पारिवारिक पत्र। तो पारिवारिक पत्रों में भेजने वाले और पाने वाले के बीच जो संबंध होते थे उन्हीं के अनुसार संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश में अंतर आ जाता है। ये इस प्रकार हैं। तो जिस प्रकार से देखिए, अब इसमें से पारिवारिक संबंध में क्या क्या होना चाहिए, ठीक, पारिवारिक संबंध में किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, देखिए। अब यहाँ पर पारिवारिक पत्र में के संबंध क्या होने चाहिए, स्वनिर्देश क्या होने चाहिए, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो संबंध किस किस के बीच में संबंध होना चाहिए, यहाँ आपका ये है संबंध। उसके बाद संबोधन कैसा होना चाहिए, संबोधन, संबोधन संबंध बाद संबोधन, संबोधन अभिवादन कैसा होना चाहिए, अभिवादन, अभिवादन के बाद स्वनिर्देश, ठीक। तो संबंध, पहला संबंध मान लीजिए पिता पुत्र का होता है। संबंध क्या है, पिता पुत्र, पिता पुत्र को क्या लिखेगा, प्रिय पुत्र। संबोधन में क्या होना चाहिए, प्रिय पुत्र, या बच्चे का नाम लिखिए प्रिय रवि, प्रिय रवि। अब वो अभिवादन में क्या कहेगा, प्रिय पुत्र शुभाशीष, क्या कहेगा, शुभा शुभाशीष, शुभ आशीष, शुभाशीष। स्वनिर्देश में क्या कहेगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, ठीक। ये किसके बीच में था, पिता पुत्र। लेकिन अगर पुत्र पिता को पत्र लिखेगा तब क्या लिखेगा, यही देखिए अपोजिट, पुत्र पिता, संबोधन में पूज्यनीय पिताजी, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, या हाँ सादर प्रणाम, अब यहां पर क्या होगा, स्वनिर्देश में आपका आज्ञाकारी पुत्र, या आपका पुत्र, या आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका पुत्र, ठीक। पिता पुत्र को हो गया, पुत्र पिता को पत्र लिख दिया। अब माता पुत्र को पत्र लिखेगा तब, माता पुत्र को, बात वही होगी, प्रिय रवि, ठीक, क्या होगा, प्रिय रवि, यही वाला चीज यहां पर भी होगा, प्रिय रवि। अब अभिवादन में क्या लिखेगा, शुभाशीष, शुभाशीष। स्वनिर्देश में क्या लिखेगा, आपका पुत्र, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ कांक्षी वक्त तुम्हारा शुभाकांक्षिणी हो सकता है, कांक्षी, ठीक। पुत्र माता को पत्र लिखेगा तब क्या लिखेगा,
बात वही रहेगा। पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम आपका पुत्र, यही चीज रहेगा। पूजनीय माताजी, पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम आपका पुत्र, आपका पुत्र। अगर मित्र मित्र को पत्र लिखेगा तब मित्र मित्र को पत्र, अब लिखिएगा नाम लिखिएगा, जैसे मान लीजिए मित्र रवि जी, मित्र रवि जी, अब उसका अभिवादन क्या होगा? भाई हम उम्र का है तो अभिवादन लिखेगा संप्रेम नमस्ते, प्रेम नमस्ते। अब यहाँ क्या लिखेगा भाई? जब मित्र है तो वहाँ पर लिखेगा आपका अपना ही, आपका पुत्र के स्थान पर यहाँ क्या लिखेगा? मित्र मित्र आपका अपना ही मित्र, आपका अपना ही मित्र, जो भी नाम होगा। ठीक, ये था मित्र मित्र को पद। अब अगर गुरु शिष्य को पत्र लिखेगा तब प्रिय राम जी, गुरु शिष्य को गुरु शिष्य को, तो वहां लिखेगा संबोधन में प्रिय राम जी, और अभिवादन लिखेगा शुभाशीष, और स्वनिर्देश लिखेगा तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक। तो देख लीजिए एक बार क्या लिख रहे हैं, प्रिय राम, प्रिय श्याम कर दीजिए। ठीक, अभिवादन में शुभाशीष, शुभा शीश, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक। ठीक, अगर मान लीजिए ये था गुरु शिष्य को, तो संबोधन में ये, और अगर अग्रज अनुज को लिखेगा तब क्या होगा? अग्रज अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज अनुज को लिखेगा तब क्या लिखेगा? तब लिखेगा प्रिय सुरेश शुभाशीष तुम्हारा शुभ कांक्षी, प्रिय श्याम शुभाशीष। ठीक, और उसमें क्या लिखेगा? तुम्हारा शुभाकांक्षी या शुभ चिंतक जो भी होगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी। ठीक, ये सब चीज़ है। तो ये था पत्रों के भेद, पारिवारिक पत्र में किस किस संबंध में, जिसका जो संबंध होगा उसी हिसाब से संबोधन होगा, उसी हिसाब से अभिवादन करेगा, उसी हिसाब से क्या करेगा? स्वनिर्देश देगा। ठीक, तो ये था पारिवारिक पत्रों के संबंध में। ठीक, अब
तो ये थे आज पत्र, पत्र के प्रकार और पारिवारिक पत्र। तो पत्र छह प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने बताया कौन कौन से, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक पत्र, आवेदन पत्र और अंतिम था आपका सरकारी कार्यालय पत्र। तो आज हमने यहाँ पारिवारिक पत्र में चर्चा किया है, तो हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सामाजिक पत्र, कि सामाजिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।